नमस्कार भाई दोस्तों। इंडिया इंडिया है या इंडिया किसी का गुलाम है? सवाल सिंपल है बिल्कुल, कोई मुश्किल सवाल नहीं है भाई। इंडिया किसी का गुलाम तो नहीं है ना, आजाद देश है या नहीं है ये बताओ। फिर जो ब्रिक्स में नई करेंसी चलाई गई है उसमें इंडिया का गुलाम कैसे दिखाया जा रहा है? जो नया वर्ल्ड मैप जारी हो रहा है उसके अंदर भी यही दिखाया जा रहा है। क्या रशिया का गुलाम है क्या इंडिया? फिर उन्होंने कैसे लिख दिया नई करेंसी के ऊपर रशियन इंडिया? कमाल की बात नहीं है? दूसरी तरफ जो अपने पुतिन साहब हैं, मोदी साहब के मजे ले रहे हैं अपनी भाषा में। पहले आपको तो ट्रांसलेटर की भी जरूरत नहीं, आप हमारी बात वैसे भी नहीं समझोगे, ट्रांसलेटर ही नहीं समझ पाया। पहली बात तो बोल क्या गया पुतिन, क्योंकि वो अपनी रशियन भाषा में बोल गया। ये मतलब कि हो क्या रहा है देश के अंदर, ब्रिक्स में इतनी बड़ी बेइज्जती? सुनो, ठीक है, वो हंसने लगे मोदी जी। रशिया भाषा में बोल गया पुतिन, बोले आपको तो ट्रांसलेटर की भी जरूरत नहीं होगी। मोदी साहब हंस रहे हैं। हंसने से याद आया, एक अमेरिका गए थे, अमेरिका में बाइडेन ने सरपंच ने मजे लिए थे। बोला छोटे से देश का, गरीब देश का, जाहिल सा, मतलब के अनपढ़ सा प्रधानमंत्री आया है। फिर नाम भूल गए बाइडेन साहब, हुज नेक्स्ट, मतलब जहां जाते हैं इतना बड़ा संत आज तक नहीं देखा। जहां पर भी जाते हैं ना वहीं पर झंडे गाड़ देते हैं और डंका फड़वा देते हैं, डंका फड़वा देते हैं। इन्होंने नई करेंसी जारी की है भाई, नई करेंसी ब्रिक्स वालों ने, उसके ऊपर हम देख रहे हैं। ये बड़े कमाल की बात है, आपको ऊपर फोटो लगा देंगे। इसके अंदर जैसे लिखा, सारे देशों के नाम लिखे हैं, ब्रिक्स लिखा हुआ है, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका है, इंडिया रूपी लिखा हुआ है, ब्राजील भी लिखा, फिर रशियन इंडिया लिखा हुआ है इसके ऊपर। रशियन इंडिया का क्या मतलब है? इंडिया रशियन है, रशियन है इंडिया। जैसे इन्होंने लिखा ब्राजील रशिया, ठीक है ये, लेकिन रशियन इंडिया, रशियन इंडिया कैसे होया भाई? किसी ने सवाल उठाया? यहां पर लगे हुए हैं मंडियों, मंडियों के दलाल लगे हुए हैं, डंका बज रहा, डंका पापा का, पापा ये नहीं पता, डंका फूटा हुआ पापा का, डंका है इतने बुरे तरीके से फूटा हुआ, ये भी किसी ने नहीं सोचा होगा। एक और है इससे भी बड़ा अनपढ़ पटवारी, एक और है अपने आप को पता नहीं क्या सेना का अफसर बोलता है या कुछ बोलता है, उसी की बात कर रहे हैं, गोबर खरिया की बात कर रहे हैं, वो भी है इसी रेस में शामिल। मतलब वो खुश हो रहा है, वो खुश हो रहा है कि उसका नाम आ गया। अरे मूर्ख, नाम कहां पे आया पहले तो देख, कनाडा ने नाम कहां पे लिया, आरसीएमपी ने कहां नाम लिया, अमेरिका में नाम भेजा है कि ये नेगेटिविटी फैलाते हैं, और वो खुश हो रहा है, खुश होकर वीडियो बना रहा है कि मेरा नाम ले दिया कनाडा ने, कमाल की बात है। चार्जिंग इंडियन मीडिया, यूट्यूब, इंडियन टेलीविजन चैनल्स ऑफ स्प्रेडिंग डिस इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट कनाडा। दे हैव यूज्ड द वर्ड्स लाइक, एक्सप्रेशंस लाइक गोदी मीडिया। नाउ दैट इज सो अनप्रोफेशनल दैट इन अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यू आर कमिंग आउट एंड यू से दैट यू नो मोदी अलाइंड मीडिया। सो दिस इज बेसिकली नथिंग एल्स बट टू सेंड आउट अ मैसेज टू द खालिस्तानी सेपरेटिस्ट एंड टू द पीपल इन जनरल दैट यू सपोर्ट मी बिकॉज आई एम द वन हु हैज द इंटरेस्ट, हु हैज द सिक्योरिटी, हु हैज द वेलफेयर ऑफ द कैनेडियन पीपल इन माई माइंड, इन माई हार्ट। Nothing but pure personal interest. They put my name on that list, by the way, sir. Oh, is that so? Yes, sir, they put okay. my name, sir, because I think that should be taken as a badge of honor. Honor, मतलब proud feel कर रहा है वो। कनाडा ने नाम ले दिया अमेरिका के सामने कि ये negativity फैलाता है, ये मतलब proud feel कर रहा है। अरे कोई समझाओ इन मूर्खों को, इन अनपढ़ों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरे देश को। हकीकत में जो न्यूज होती है वो तो दिखाते नहीं, यहाँ दिखाया जाता है लॉरेंस बिश्नोई इस जेल में रहता है, उसके भाई के ऊपर एनआईए ने 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया। एनआईए ने किया है घोषित, लॉरेंस बिश्नोई के भाई के ऊपर 10 लाख का इनाम घोषित है और उसकी तलाश जारी है। कल भी 7 उसके, लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे पकड़े गए, लेकिन यहाँ पे और कुछ दिखाया जा रहा है। कोई लॉरेंस बिश्नोई को भगत सिंह बोल रहा है, कोई महात्मा गांधी बोल रहा है, ये हो क्या रहा देश के अंदर, ये चल क्या रहा देश के अंदर? सच्चाई कहाँ मिलेगी भाई? फिर सच्चाई कहाँ मिले, सच्चाई देखने कहाँ जाए? फिर यूट्यूबरों के लिए नए नए कानून ले आते हैं, यूट्यूबर ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। सच्चाई तो दिखानी पड़ेगी, किसी को तो दिखानी पड़ेगी, किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी सच्चाई दिखाने की। सच्चाई दिखाने की कोई तो जिम्मेवारी लेगा, बगैर जिम्मेवारी के तो नहीं चलेगा। हम लेंगे जिम्मेवारी को, हम लेंगे,
और जो साथी अपने वो अपनी मदद करेंगे, अगर ये कुछ डाउन करने की सोचेंगे ना तो थैंक्स ऐप के जरिए है ना इससे आगे बढ़ता है वीडियो, आपको ना पता हो तो। थैंक्स ऐप का जो यूज किया, जिस जिस भाई ने यूज किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी बहुत भाइयों ने यूज किया था उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो में उनके नाम बता देंगे अगले वीडियो में, जिस जिस भाई ने थैंक्स ऐप का प्रयोग किया था उनका नाम भी बताएंगे साथ के साथ, इन्होंने किया था और कितना कितना किया था। चार भाइयों ने तो 100-100 रुपये का किया था, वैसे बता देते हैं, एक भाई ने $19.99 का किया था, ठीक है ना, ब्लॉग ब्लॉग के नाम से है उसका, शायद कोई चैनल भी होगा उस भाई का, अगर होगा तो उसके पे थैंक्स ऐप का प्रयोग हम करेंगे, फिर हम भेजेंगे थैंक्स ऐप से। इससे क्या है, रीच कम जो ये करने की सोचते हैं ना, ये रीच कम नहीं होती, फिर इससे कम नहीं होती रीच, ठीक है ना, इससे रीच ठीक ठाक रह जाती है, ये होता है। और यहाँ पे चला क्या, मंडिया के दलालों को खोल लो आप, लॉरेंस बिश्नोई का ये फलान ढिमकान सलमान खान ये वो अलाना फलाना, जो काम की न्यूज होती है ना, ब्रिक्स में क्या हुआ वो बताओ, नई करेंसी तो जारी कर दी लेकिन नई करेंसी के ऊपर लिख क्या दिया, वो देखो रशियन इंडिया लिखा हुआ है, उसके ऊपर कोई डिबेट होगी आपको लगता है? मंडियों के दलाल कभी डिबेट करेंगे इसके ऊपर? मंडियों के दलाल डिबेट करेंगे? हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान इस पर डिबेट हो जाती है, भारत चाइना पर डिबेट करो ना, भारत चाइना पर डिबेट करो, भारत अमेरिका में जो चल रहा है उस पर डिबेट करो, भारत कनाडा में जो चल रहा है उस पर डिबेट करो, और सही न्यूज लोगों के सामने लेके आओ। वहां पर भीख मांगने पर मजबूर हो रहे हैं सिर्फ किस कारण? अनपढ़ मूर्खों के कारण। कनाडा के अंदर जो छात्र है ना वो भीख मांगने पर मजबूर हो रहे हैं, विशेष तौर पर जो चिंटू मिंटू थे उनकी हालत खराब होगी वहां पर, हालत खराब होली, अपने को भी मिलते हैं चिंटू मिंटू, लेकिन उन चिंटू मिंटू बोला नहीं बहुत बड़ा धोखा कर दिया, मतलब ये अभी पापा से मोह भंग हो चुका है चिंटू होगा, इनको पता है नुकसान करता है, चिंटू होगा नुकसान कर दिया, अडानी अंबानी को फायदा हो रहा है, अडानी अंबानी के फायदे के लिए जाता है ये तो जहां भी जाता है। चिंटुओं को भी संभालो बेचारों को, कब तक ये पूरी जिंदगी गोबर मूत्र में ही रहेंगे क्या? इनको भी अनाज खाने के लायक बनाओ, बनाओ थोड़ा सा, नहीं तो उन्होंने रिपोर्ट तैयार ही ना बाहर से, अमेरिका जो रिपोर्ट दे रहा है ले दिया ना नाम अमेरिका ने, रिपोर्ट बकायदा FBI ने जारी कर दिया लेटर, FBI ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना जो अमेरिका की जांच एजेंसी, उसने लेटर जारी किया है, पता आपको सिखों के बारे में किया है रे, कि सिखों के साथ ऐसा होने वाला है, उन्होंने निजर के लिए भी पहले आगाह किया था कनाडा को, उन्होंने अब एक लेटर और जारी किया, बाकायदा नाम ले दिए, बाकायदा नाम ले दिए, चाहे हुडो बाल साहब का हो, चाहे मोदी साहब का हो, चाहे अमित शाह साहब का हो, सबके नाम लेकर लेटर जारी कर देते हैं, वो लेटर जारी कर देते हैं, कहीं यहां दिखा जाता है बाल, किसी न्यूज आ जाती कहीं पर डोभाल साहब के नाम का संबंध निकाल लिया, क्यों नहीं गए मोदी साहब के साथ अमेरिका, पता था वहां चले गए तो उल्टा नहीं आने देंगे, क्योंकि उन्होंने संबंध निकाल लिया हुआ था, कौन बताएगा ये बातें? मंडियों के दलाल तो अपनी दलाली में मस्त है, मस्त है अपनी दलाली में, वो अपनी दलाली करते रहेंगे, करने तो उनका काम है दलाली करना, लेकिन जो सच्चाई में न्यूज है ना वो तो दिखाओ कम से कम, क्यों नहीं इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो रहा है, रशियन इंडिया लिख कैसे दिया, करेगा कोई? ना 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 ना, इसलिए पापा का डंका बज रहा है, ये नहीं कहते पापा जहां जाता वही डंका फुड़वा देता है, अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी कोई कहीं वो बेइज्जती कर देता है, बस अपनी मूर्खता का परिचय हंस के दे देते हैं, हंसते रहते हैं बस, क्या हो क्या रहा है ये देश के अंदर, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, ये जो रशियन इंडिया लिखा हुआ इसका क्या मतलब निकलता है, कोई बताएगा मेरे को? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ऑफिशियल दीपक भोजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है, गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।